Hello and welcome back to Kaisyanand. I'm Sneha and in this video we are going to understand binary operations. Now if you are new to the channel, we already completed the course of real analysis, jiska link aapko description box mein mil jayega, and then we moved to algebra and that too abstract algebra, jisme humne group theory ke kuch tools ikhatte kar liye the, and finally we are about to start group theory. So the very first thing group theory ke andar aati hai binary operations, so let's just get into it. Yeah. अभी भी हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है विद एवरी न्यू टर्म इज़ टू डिकोड दैट टर्म. जैसे यहाँ हमें बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ने हैं तो सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बाइनरी. बाइनरी इज़ एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू टू, है ना. ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, लिटरल मीनिंग ऑफ बाइनरी. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टू, एंड बाइनरी ऑपरेशंस दे आर डिफाइंड ऑन एनी given set. So binary operations are defined on given set S. तो आप just an observation, आपके पास एक set है S, है ना, और कुछ नहीं है आपके पास, and this is non-empty. Of course ये non-empty है. Now you have to define a binary operation, मतलब you have to relate two elements of S with each other. So suppose I have two elements of S, A and B, right? I can relate A to B, right? This way, and I can also relate B to A. Both ways I can do the relation. Now the question is, जो भी हम operation बनाएंगे या जो कुछ भी हमने ये define किया है, ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों equal हैं या अलग अलग हैं, या ये क्या होना चाहिए कि दोनों equal हों या दोनों अलग अलग हो, ऐसी कुछ definition है या नहीं है. So the very first thing is, हम लोगों को given any set, हम लोगों को we have to pick two elements of the set and we have to relate them somehow, है ना. सो इसका सबसे ईजी मैथड या इसका मैथमेटिकल वे क्या है, गिवन एनी सेट एस यू कैन गेट दी कार्टीजियन प्रोडक्ट एस क्रॉस एस, एंड दिस कार्टीजियन प्रोडक्ट विल गिव यू ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट, वेयर ए एंड बी आर फ्रॉम एस. सो व्हेन आई एम राइटिंग ए एंड बी फ्रॉम एस, ऑफकोर्स बी एंड ए विल ऑल्सो, आई मीन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बी इन एस क्रॉस एस, बट दिस इज़ द ऑर्डर्ड पेयर, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डरिंग. And with the help of this Cartesian product and the given set, I can define a binary operation. So finally, I can define, and I'm defining this as function from S cross S to S, right? And the definition goes like f of a comma b is sum c, which is sum c in S, right? सो क्योंकि हमारे पास एक ही सेट गिवन है विच इज़ एस, सो आई हैव टू अल्टीमेटली गो टू एस ओनली. दैट इज़ वाई आई एम डिफाइनिंग माई फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस ओनली, सच दैट एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एस क्रॉस एस इज़ असाइन टू एन एलिमेंट इन एस इट्सेल्फ, राइट. एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन. सो गोइंग बैक टू द डेफिनेशन, नॉन एम्प्टी सेट, अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस इज़ अ फंक्शन. सो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक्चुअली फंक्शंस ही होते हैं, दैट असाइंस ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस एन एलिमेंट ऑफ एस. और ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कार्टीजियन प्रोडक्ट से शुरू होते हैं और एस पर ही खत्म हो जाते हैं, यानी घूम फिर के हम वापस अपने सेट पर ही आ जाते हैं. सो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर. With binary operations comes a notation, क्योंकि every time it's not feasible for us to write, you know, a function. We will defining a function S cross S to S and then writing in this way. So we denote binary operation by this symbol which is star. So we denote binary operations with the symbol star and we write A star B is C, right? And say C is the product, C is the product of A and B, है ना. Quite logical too, because we are operating A with B and we are getting something in return which is from S only, and we'll say that C is the product of A and B. Next comes जो मैं आई थिंक एलजेब्रा के हर वीडियो में बोलती आई हूँ, दैट वेन एवर वी आर लर्निंग एलजेब्रा वी आर डेवलपिंग अ लैंग्वेज. सो वी हैव टू अनलर्न एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न्ड, है ना. क्या होते थे सिंबल्स या क्या होते थे नंबर्स, हमें सब कुछ एक बार के लिए भूल जाना है, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स. और बेसिक्स भी नहीं कह सकते हम लोग, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो लेवल ज़ीरो. हमें कुछ नहीं मालूम, वी आर डेवलपिंग दी
हियर वी आर डेवलपिंग दी लैंग्वेज. सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार से डिनोट किया हुआ है, दिस विल बी डिफाइंड इन योर क्वेश्चन और इन योर थ्योरम और इन योर टॉपिक, जहाँ पर भी आप बात कर रहे हो. बाइनरी ऑपरेशंस अलग अलग तरीके से या अलग अलग सेट के ऊपर अलग अलग डिफाइंड होंगे, एंड देन वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, राइट? सो लेट अस नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज एडिशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल्स, राइट? सो जब भी बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, सो वेरी फर्स्ट थिंग और वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट इज द सेट, गिवन सेट, एंड वॉट इज़ द बाइनरी ऑपरेशन. कौन सा ऑपरेशन गिवन है, नॉट बाइनरी, वॉट इज़ द ऑपरेशन. सो यहाँ ऑपरेशन गिवन है प्लस. नाउ आई हैव टू प्रूव इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट? और वो प्रूव हम कैसे करेंगे? सो बेसिकली व्हेन वी आर प्रूविंग बाइनरी ऑपरेशन, वी आर मेकिंग अ फंक्शन फ्रॉम द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट टू द सेट इट सेल्फ सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज सी, वेयर सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट. ऐसा होगा. और इक्विवेलेंटली आई कैन राइट इट एज ए स्टार बी इक्वल टू सी एंड सी शुड बिलोंग टू एन. ये होना चाहिए, है ना? सो इन दिस गिवन क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं दैट यू नो वेदर द ऑपरेशन इज़ बाइनरी और नॉट ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स, दैट मीन्स वी हैव टू चेक द बिलोंगिंगनेस ऑफ द सी और द बिलोंगिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन द सेट ऑफ नेचुरल्स. वी हैव टू प्रूव दिस और वी हैव टू अल्टीमेटली से दैट ओके विद दिस ऑपरेशन, विद द गिवन ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स, टू डिफरेंट नेचुरल नंबर्स दे विल बी ऑपरेटेड टुगेदर एंड द आंसर इज इन द सेट ऑफ नेचुरल्स इटसेल्फ. सो कंसिडर यू हैव टू एलिमेंट्स n एंड m इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यू हैव टू ऐड दैम. योर बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन. सो यू हैव टू ऐड दैम एंड यू नो दैट द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स fall in the naturals only. So the product of n and m, which I am calling here is c, is in n and hence addition is a binary operation, right? So this is done. But if you change the operation, so here in the second example I am saying that subtraction on the set of naturals, so my set is same but my operation is now subtraction, and this विद दिस ऑपरेशन नेचुरल्स नंबर्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा. एंड वाई सो, अगेन वी हैव टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस और वी हैव टू शो दीज थिंग्स एंड अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड वेयर सी बिलोंग्स टू एन और नॉट. एंड एम दे आर फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल्स. आई हैव टू फाइंड आउट एन माइनस एम बिलोंग्स टू एन और नॉट, है ना? दिस इज़ द क्वेश्चन. बट नेचुरल नंबर्स की एक नेचुरल ऑर्डरिंग होती है. आई नो वेन एवर एन इज़ लेस देन एम, एन माइनस एम विल बी लेस देन ज़ीरो एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल. कोई भी नंबर होगा विच इज़ लेस देन ज़ीरो वो नेचुरल्स में तो आ नहीं सकता, एंड हैंस दिस ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. सो बहुत बेसिक दो एग्जाम्पल्स थे टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इफ़ यू आर कीपिंग द सेट अनचेंज्ड बट यू हैव चेंज द ऑपरेशन, तो वो बाइनरी होगा या नहीं यू हैव टू चेक, राइट? सिमिलरली इफ आई कंसिडर अ सेट एस विच इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द ऑपरेशन एज सब्ट्रैक्शन ओनली, इन दिस केस द ऑपरेशन विल बिकम बाइनरी ऑपरेशन. वाई? बिकॉज लेट अस से वी हैव पी एंड क्यू इन जेड. एवर देर आर टू नंबर्स यू कैन कंपेयर दैम. सो यू हैव cases where p is greater than q, where p is less than q and p is equal to q, hai na? Ye teen cases hain. In every case if p is greater than q, I know p minus q will be a positive integer and it will lie in the set of integers. If p is less than q, p minus q will be a negative integer and negative integer also lies in z. If p and q are equal, the difference will be 0 and 0 is also a member of z. So in this case I can say that subtraction is a binary operation on z. So keep in your mind that if you change the operation on the same set, to wo binary ho bhi sakte hai, nahi bhi ho sakte hai. If you change the set and keep the same binary, keep the same operation, to ho sakta hai ki ek set ke upar wo binary nahi ho but dusre set ke upar binary ho jaye, right? So this is how we define a binary operation. Going back to the definition, binary operation is nothing but a function. The very first thing that you have to keep in your mind that they are functions, and
फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं हम डोमेन से कोडोमेन पे, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस क्रॉस एस, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट और आई हैव टू कंसीडर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस, एंड देन द कोडोमेन और द रेंज ऑफ सच फंक्शंस आर एस ओनली. हम एस से बाहर नहीं जा सकते बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग आउटसाइड एस, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली अ सेट एस. हमारे पास अभी इनिशियली शुरू करने के लिए तो सिर्फ एक ही सेट है ना एस, उससे बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है. और सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. इफ़ यू डिड हिट द लाइक बटन. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड स्टिक विद मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ग्रुप थ्योरी. टिल देन टेक केयर, बाय.